हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 दैट इज एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग इस चैप्टर में दैट इज चैप्टर 3 में एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले एटॉम्स क्या होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ एटॉम को डिस्कवर करने वाला कौन था वो भी जानेंगे, और हम लोग देखेंगे कि एटॉम्स जो है उसके बाद जब एटॉम डिस्कवर हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज डिस्कवर होने लगे साइंस में, ठीक है। और हम लोग उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी के लिए नहीं और बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जो आप लोग 10th और 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एटॉम्स होता क्या है, ठीक है। तो एटॉम्स का दो नाम दिया गया, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर एटॉम्स का जो एटॉम्स होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉम्स, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट इज एंशियंट इंडियन फिलोसोफर इसको क्या बोला गया, परमाणु, ठीक है। ये जो वर्ड है दैट इज एटॉम, ठीक है। यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, एटॉम जो वर्ड है एटॉम, इसका अगर आप लोग इसको ब्रेक करो तो इसका दो मीनिंग आता है, ठीक है। ए मीन्स होता है, ए मीन्स होता है अन, ठीक है। और ये जो एटॉम वर्ड है ये आप लोग का आया है एटोमियम वर्ड से, ठीक है। ये जो एटॉम है याद रखिएगा ये एटोमियम वर्ड से है, एटोमियम, ठीक है। अब यहां पे ए जो होता है इसका मतलब होता है अन, ठीक है। और टोमियो मीन्स क्या होता है, दैट इज कटेबल, ठीक है। तो एटॉम्स एक टाइप का एक ऐसा पार्टिकल से जिसको हम लोग आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अनकटेबल, ठीक है। तो एटॉम्स जो है वो क्या है, एक टोमियो वर्ड से आया है और इसका मीनिंग क्या है, दैट इज अनकटेबल, ठीक है। अब एटॉम के बारे में स्टडी बहुत साल पहले अराउंड 500 बीसी एटॉम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, सबसे पहले जो एटॉम को स्टडी किए वो साइंटिस्ट जो थे, एक का नाम था दैट इज इंडियन फिलोसोफर, दैट इज उनका नाम था महर्षि कनाड, जो आप लोग को एनसीईआरटी बुक में भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। वही दूसरी ओर और एक साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे इंडियन फिलोसोफर तो स्टडी कर रहे थे एटॉम के ऊपर, ठीक है। वही उसी के साथ साथ एक ग्रीक फिलोसोफर भी थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है, और ल्यूसिपस। ये दोनों साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, जो ग्रीक फिलोसोफर थे ये भी स्टडी कर रहे थे एटॉम्स के बारे में, और हमारे जो थे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड वो भी क्या कर रहे थे, एटॉम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और स्टडी करते 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 उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया। अब ये कंसेप्ट ये बोला, उन्होंने बोला, हम लोग जानते हैं इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी चारों तरफ चीज है वो क्या है, मैटर है कि नहीं। लेकिन हमारे महर्षि कनाड के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने बोला कि मैटर को इन्होंने पदार्थ बोला, पदार्थ, ठीक है। और ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ जो है एक किससे मिलके बना हुआ है, दैट इज छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ। और महर्षि कनाड ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप लोग कोई भी एक पदार्थ उठाते हो, ठीक है, जैसे सपोज आपने एक स्टोन उठाया, ठीक है, आपने एक स्टोन उठाया,
और स्टोन इतना बड़ा था और आपने क्या किया, ये स्टोन को ब्रेक करना स्टार्ट किया। तो जब आप लोग ब्रेक करोगे, जब आप लोग ये स्टोन को ब्रेक करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। अब आपने क्या सोचा कि इसमें से एक पार्टिकल्स लेके फिर मैं ब्रेक करता हूं, ठीक है, इसको फिर से ब्रेक करता हूं। तो जब ब्रेक किया तो ये क्या हुआ, और दो पार्टिकल बन गया। फिर इसको ब्रेक करता हूं, इसमें से एक उठा के फिर क्या हुआ, ये और छोटा पार्टिकल में, फिर इसको ब्रेक करता हूं, और छोटा पार्टिकल में, फिर इसको ब्रेक करता हूं, एक उठा के फिर छोटा पार्टिकल। तो कहने का मतलब, जब आप लोग एक पदार्थ लेते हो, दैट इज कोई भी मेटल लेते हो, और आप लोग उसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है, तो डिवाइड करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो जो पदार्थ था या मेटल था, वो पार्टिकल जो था वो डिवाइड ही नहीं होगा, और वो जो अनडिविजिबल पार्टिकल होगा उसी को इन्होंने क्या बोला, दैट इज परमाणु, दैट अनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु, अनडिविजिबल, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एटम्स को सबसे पहले जो स्टडी किए थे वो पहले थे, दैट इज एक थे इंडियन फिलोसोफर, और उसी के साथ साथ एक ग्रीक फिलोसोफर थे। जो इंडियन फिलोसोफर थे उनका नाम था महर्षि कनाट, और जो ग्रीक फिलोसोफर थे ये दो थे, दैट इज डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिफर्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज महर्षि कनाट का कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग कोई भी पदार्थ उठाते हो, जैसे कि सपोज मेरे पास एक चोक हो गया, ठीक है, ये चोक हो गया, अगर मैं चोक को ब्रेक करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो अगर मैं चोक इतना बड़ा था मेरे पास, अगर इसको ब्रेक किया तो ये दो टुकड़ा हो गया सपोज, ठीक है, फिर मैंने एक उठा के और ब्रेक किया तो ये दो टुकड़ा हो गया, फिर इसको और ब्रेक किया एक उठा के तो और ये दो टुकड़ा हो गया, फिर इसको और ब्रेक किया तो और दो टुकड़ा हो गया, और ब्रेक किया, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो चोक है ये चोक को ब्रेक करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जो कि वो क्या होगा, डिवाइड ही नहीं होगा। जैसे कि ये पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, ये आगे फर्दर डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है, ये जो चोक का पार्टिकल्स है जो यहां पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये चोक का पार्टिकल्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जो चीज फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज परमाणु इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी क्या बोलेंगे, दैट अनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। किसने बोला, महर्षि कनाट, ठीक है। अब आता है, अब हम लोग पढ़ते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर का। तो एंशियंट जो ग्रीक फिलोसोफर थे इनका भी कंसेप्ट एकदम सेम था। इन्होंने क्या बोला, पदार्थ बोला मेटल को, इन्होंने क्या बोला, मेटल को पदार्थ बोला, लेकिन इन्होंने क्या बोला, मेटल बोला, पदार्थ नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला, मेटल। अगर इन्होंने क्या बोला, अगर तुम मेटल को डिवाइड करते जाओ, इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मेटल देन वन स्टेज विल कम द पार्टिकल्स इट कैन नॉट बी डिवाइड, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड व्हाट, एटम। वो पार्टिकल जो अनडिविजिबल पार्टिकल होगा, उन्होंने क्या बोला, एटम। मतलब दोनों का सेम कंसेप्ट था, महर्षि कनाट और डेमोक्रेटस का, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इसको इंग्लिश में बोल दिया, और इन्होंने क्या बोला, इसको हिंदी में बोल दिया। इन्होंने बोला एटम को परमाणु, और इन्होंने क्या बोला, एटम को एटम ही बोला, ठीक है। इन्होंने मेटल को क्या बोला, पदार्थ, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मेटल, ठीक है। तो दोनों का सेम ही कंसेप्ट है। तो आई होप आप लोग को जो एटम का टॉपिक है ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा, एटम जो वर्ड है वो एटोमियो वर्ड से आया है, और एटोमियो का मीनिंग क्या है, ए मीन्स अन और टोमियो मीन्स कटेबल, ठीक है। कटेबल मीन्स क्या होता है, आप इसको काट नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया चोक का, कि चोक मैंने तोड़ते गया, एक ऐसा स्टेज आया कि वो चोक आगे जाके डिवाइड ही नहीं हुआ, ठीक है ना, आगे जाके वो
चौक का पार्टिकल एक ऐसा मिला जो आगे जाके डिवाइड ही नहीं हुआ, और डेट अनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड, ठीक है, जो पार्टिकल्स डिवाइड आगे ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स, ठीक है। और अब इसके बाद बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी एंड हो गया, अब साइंटिस्ट लोग जब एटम का डिस्कवरी हुआ साइंस में, ठीक है, पूरा साइंस वर्ल्ड में जब एटम डिस्कवर हो गया कि एटम जैसा चीज होता है, तब बाकी सारा साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बाकी सारा एटम से रिलेटेड और बाकी चीज पढ़ने लगे, ठीक है। दैट इज उन्होंने क्या पढ़ा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पढ़ने लगे। और पढ़ने के बाद सबसे पहला साइंटिस्ट आए, दैट इज केमिकल साइंस में, जिन्होंने दो लो दिया, ठीक है, एंटोनी एल लिबोजर, ये इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनी एल लिबोजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, ये केमिकल साइंस का डिस्कवरी कर दिया, और इनके बेस के ऊपर, ठीक है, उन्होंने दो लो दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को लेक्चर वन में एटम्स का इंट्रोडक्शन बताया, एटम्स कहां से मिलता है और एटम्स को सबसे पहले स्टडी कौन किए थे, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़े कि सबसे पहले जो लो, जो इम्पोर्टेंट लो, केमिकल कॉम्बिनेशन जो देने वाले थे वो कौन थे, दैट इज एंटोनी एल लिबोजर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज लेक्चर टू में, मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।